नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है देश के लिए और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए। भारत की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, जो पुणे में है, इन्होंने बनाया है एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट कोविड 19 के लिए, और इसका काम होगा कोविड 19 के पेशेंट्स में, उनके खून में यदि वो कोविड 19 से संक्रमित हो जाते हैं तो उनके खून में ये चेक करना कि क्या वायरस की वजह से बॉडी में लड़ने की क्षमता विकसित हुई, वायरस बॉडी में गया और वायरस के लड़ने की क्षमता बॉडी में विकसित हुई या नहीं है। ये इसका सिद्धांत ये है कि ये एक एलिजा बेस्ड टेस्ट है, एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है और पूरी तरह स्वदेशी है, हमारे ही देश में बना हुआ है और इसका नाम रखा गया है कवच, कोविड कवच, कोविड कवच एलिजा। काम है, जैसे ही आपकी बॉडी में वायरस एंटर करता है, बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होने लगते हैं, खून में एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं। इस एंटीबॉडी डेवलप होने को चेक किया जाता है, आपकी उंगली से खून की दो बूंद ली जाएगी और उस टेस्टिंग किट में डाली जाएगी। उसकी फोटो मैंने ऊपर लगा के दी हुई है। टेस्टिंग किट में डालने के बाद ये टेस्टिंग किट कुछ ही मिनटों में आपको रिजल्ट बता देगी कि आपके खून में या आपके शरीर में कहीं उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित हुई है क्या। इसका मतलब ही है कि क्या आप इससे संक्रमित हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये पता करने के लिए बड़े लेवल पे, विस्तृत लेवल पे इसको चेक करने के लिए। जैसे आपने देखा कि चाइना से हमने बहुत सारी किट मंगाई थी शुरुआत में, लेकिन वो सब फेल हो गई। फिर कोरियन किट्स का यूज किया गया, वो भी फेलियर साबित हुई। और इसीलिए बहुत समय से ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस पर लगा हुआ था, NIV की टीम लगी हुई थी, भारतीय वायरोलॉजी संस्थान जो पुणे का है उनकी टीम लगी हुई थी, और इन्होंने सफलता पाई और कुछ महीनों की मेहनत के बाद इन्होंने अपनी खुद की टेस्ट किट डेवलप की, जिसमें 2.5 घंटे में 90 सैंपल्स आप चेक कर सकते हैं और लाखों की तादाद में आप बहुत तेजी से चेक कर सकते हैं कि कौन पेशेंट संक्रमित हुआ है, कौन पेशेंट संक्रमित नहीं है, किसी व्यक्ति में संक्रमण है या नहीं है। अब ये डिफर करता है, अलग थोड़ा सा ये अलग है RT-PCR से। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि RT-PCR टेस्ट क्या होता है। रैपिड जो टेस्टिंग होती है, RT-PCR टेस्ट वो क्या होता है और एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। RT-PCR इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। RT-PCR टेस्ट में आप करते ये हैं कि आप मुंह से, गले से स्वैब लेते हैं, आपने एक स्वैब टेस्ट किया, गले से स्वैब लिया, नेजल एरिया से स्वैब लिया, नाक में ऐसे एक डाला आपने, एक प्लास्टिक का मटेरियल लेता है उसके ऊपर कॉटन लगा होता है, वहां से स्वैब लेते हैं, उसमें वायरसेस होते हैं, गले का स्वैब लेते हैं उसमें वायरसेस होते हैं, और इसे कल्चर किया जाता है, इसे टेस्ट किया जाता है। 24 घंटे तक का समय इसमें लग जाता है, लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इसमें वायरस को मल्टीप्लाई किया जाता है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन की जाती है और फिर चेक किया जाता है कि इसमें वायरस है या नहीं है। ये एकदम कंफर्मेटरी टेस्ट होता है और इसके ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और दुनिया में RT-PCR को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। अब ये बात होती है कि RT-PCR ही क्यों नहीं किया गया, रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट क्यों बनाई गई एलिजा बेस्ड, वो इसीलिए किया गया कि सभी का RT-PCR टेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें टाइमिंग बहुत लगता है, लगभग 24 घंटे का, कभी कभी इससे ज्यादा भी वक्त लग जाता है, पर ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। पर फिर भी एक स्पीड टेस्टिंग बढ़ाने के लिए, टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था एक ऐसा टेस्ट जो तेजी से हो जाए। 5 मिनट में यदि कोई टेस्ट हो जाए तो वो कितना बढ़िया है। तो ये टेस्ट देश में NIV में इसके बारे में रिसर्च की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हर्षवर्धन जी ने ये बताया कि मुंबई में ऑलरेडी इनकी 2 जगहों पर टेस्टिंग की जा चुकी है, ये देखने के लिए कि इनके टेस्ट रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि जहां पे केसेस हैं वहीं पे इनका टेस्टिंग किया जाता है। कंफर्मेटरी टेस्ट आया, बिल्कुल कंफर्म हुआ कि जो पेशेंट कोविड के थे उन पे टेस्ट किया गया और वो एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं, ये पता चला। होता क्या है कि यदि आपको वायरस ने अटैक किया तो आपकी बॉडी, इनका जो इम्यून सिस्टम है, आपके ब्लड का इम्यून सिस्टम है,
वो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, तो जो प्रोटीन बॉडी में बना वो डिफेंसिव मटेरियल है, आईजीजी आईजीएम और आईजीई, तीन प्रकार की एंटीबॉडी होती है, तो ये आईजीजी को डिटेक्ट करेगा, आईजीएम को डिटेक्ट करेगा और कंफर्म करेगा कि आपके शरीर में वायरस गया या नहीं गया, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। लेकिन ये आपको सर्विलेंस के लिए टीम के लिए यूज होता है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यदि आपको चेक करने हैं कि किसी पेशेंट में एंटीबॉडी बनी है कि नहीं, वो इन्फेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसे चेक करने के लिए होता है। बस थोड़े से इसके साथ में एक ड्रॉबैक ये है कि ये कंफर्म नहीं कर सकता तुरंत में कि अभी ये इन्फेक्टेड हुआ है कि नहीं पेशेंट, क्योंकि ये कुछ दिनों बाद, 6 से 7 दिनों के बाद जब एंटीबॉडी डेवलप होती है तब जाकर ये बता पाता है, तो इसके भी थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। बट पहले सर्विलेंस में और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जब आपको सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोगों का टेस्टिंग करना है, उसके लिए ये बहुत अच्छा टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। और मैं आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय हमारे देश ने 16 लाख टेस्ट कर लिए हैं। 16 लाख टेस्ट बहुत टेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट हैं, और बहुत स्पीड हमारी लगभग 1 लाख के आसपास पर डे की टेस्टिंग की कैपेसिटी हमने डेवलप कर ली। और अब ये जो किट बन रही है इससे तो हम लाखों करोड़ों की तादाद में टेस्ट करेंगे रोज। और एक खास बात यह है कि ये स्वदेश में बनी है, और स्वदेश में बने होने के बावजूद एक और चीज हो रही है कि इसको स्पीडली बनाने के लिए जाइडस कैडिला जो है इसे ये बनाने के लिए दे दिया गया है कि भाई आपको ऑथराइज कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कि भाई जाइए और बनाइए, जितनी स्पीड से इसको बना सकते हैं। तो स्वदेश में निर्मित है और स्वदेश की ही कंपनी इसे बनाएगी, तो कितनी बढ़िया बात है। इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में अपडेट देने के लिए मैं आपके साथ जरूर जुड़ूंगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।